अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे धक्का मार और भाग जा, पर नहीं लड़की तुझे जान से मार देगी, समझा? धक्का मार और भाग। ए रुक! पहलवान, तुम रंजू जी को देखो, मैं भैंस को पकड़ता हूं। हाँ, आपको तो बहुत चोट आई है, लाइए। भाग्या साला, क्या तमाशा है, निकलो ऐसे। रंजू जी, आप ठीक तो हैं? ये कौन था और हमें काहे मारना चाह रहा था, और तुम दोनों को कैसे पता चला? माँ, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, राजवीर ने फोन करके हमें बताया, लेकिन राजवीर को कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया कि मां पर हमला होने वाला है? पहलवान, पूरा मुजफ्फरपुर जानता है राजवीर शुक्ला को, और लोग ये भी जानते हैं कि नारायण शुक्ला हमारे बाप है। इस शहर में कब कहां क्या होने वाला होता है, ये खबर हम तक आसानी से आ जाती है। कुछ लोग हैं जो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। बदला? किस बात का बदला? हाँ, तुम्हें शुक्ला जी से पहली मुलाकात तो याद है ना, तुमने कुछ गुंडों से उनकी जान बचाई थी। ये उन्हीं का आदमी था, ये लोग तुम्हारी माँ पर अटैक करके तुमको सबक सिखाना चाहते हैं। वो तो हम हर तरीके के लोगों को अपनी मंडली में रखते हैं, इसलिए सही समय पे खबर मिल गई। अगर वो हमसे बदला लेना चाहता था तो वो हमें मारता, हमारी माँ पर हमला क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें मौत का खौफ नहीं। एक लड़की जो किसी अनजान की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है, तो भला मौत से क्या डरेगी? वो तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने। मुझे लगा कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें वार्न करने के बाद मैं खुद यहां चला आया। आज तुमने जो हमारे लिए किया है ना, वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे बेटा। तुम समय पर नहीं आते तो आपको कुछ नहीं होता। माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देते। बहुत खून बह रहा है, चलिए डॉक्टर के पास पट्टी करवा लेते। बेटे विशेष, किसी भी बिजनेस की नींव भरोसे पर टिकी भी होती है, लेकिन आज के दौर में भरोसेमंद इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए वो आदमी भुवन था। बिजनेस की हर उतार चढ़ाव में चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहता था। शायद इसी वजह से हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच सके। चाचा जी, हमने आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी और भुवन काका की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम समझते हैं। शायद उनकी वजह से ही जायसवाल हमारे साथ काम करने को रेडी हुए, और उन्होंने सिर्फ एडवांस लिया और सारा माल भिजवा दी। चाचा जी, आपसे जो ये बातें हो रही हैं, ये हमारे लिए बिजनेस के गुरु मंत्र से कम नहीं है। और वैसे आपने जो बिजनेस और भरोसे की बात कही, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। तुम दोनों ने जायसवाल साहब के साथ काम करने से मना कर दिया है? जायसवाल जी का हमेशा से एक ही रोना है कि गुड्डू जी हमारी कोई बात नहीं काटते थे, हम जैसा कहते थे वो वैसा करते थे। आखिर में तंग आके हमने उन्हें काट दिया। और वैसे भी डैड, आपके जितने भी रिलेशन है ना, वो सारे पुराने ख्यालात के लोग हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे सारे लोगों से हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। और इवन डैड, ऑफिस के जो सारे पुराने एम्प्लॉयज है ना, उनको हटा के हम नए लोग को लेके आएंगे, क्योंकि डैड आपके जो पुराने एम्प्लॉयज है ना, सिर्फ चापलूसी करते हैं, काम नहीं करते। माफ कीजिए चाचा जी, शायद हमें जायसवाल का जिक्र नहीं करना चाहिए था।
अरे नहीं बेटा, वो ऐसी बात नहीं थी। हमें तो पूरा भरोसा है कि तुम और शालू एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम कर सफर तय करोगे। और बिजनेस में ही नहीं, अपनी निजी जिंदगी में भी। मुस्कान, माँ के लिए पानी लेकर। क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? पर वो कैसे हुआ ये सब? दीदी, माँ पे बाजार में हमला हुआ है। जान जाते जाते बची है माँ की। कहीं रंजू से बदली के लिए ललिता जी ने तो नहीं करवाया ये? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।